करना चाह ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तू फिर। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोग बताने वाला हूँ मेरा जो एकदम लेटेस्ट वाला शॉर्ट है वो ग्राइंड वाला जो ट्रेंड चल रहा है वैसा जैसे मैं एडिट किया हूँ वैसा कैसे कर सकते हैं। और गाइस आप लोग को बैकग्राउंड नॉइस आएगी, ज़्यादा ही आएगी क्योंकि पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है एंड थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये फुल्ली कैपकट ट्यूटोरियल होने वाला है तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख लेना अगर आप लोग को भी जानना है कि ऐसी एडिटिंग कैसे करते हैं। चलो तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग का आपका काइंड मास्टर खोल लेना है एंड देन आप लोग को 9:16 रेशियो का जो है बीच में इसे आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को जो भी आप लोग की क्लिप है लाइक मेरी ये क्लिप है तो इसे आप लोग को सेलेक्ट करना है। इसका आप लोग को साउंड एकदम लो कर देना है, शुरुआत में आना है, प्लस दबा के आप लोग को इसे फुल जूम कर लेना है। आप लोग के पास अगर लॉबी में इमोट है तो आप लोग दिखा सकते हो। जूम करने के बाद आप लोग अपनी वीडियो को थोड़ा सा स्ट्रेच कर देना है, देन आप लोग का इमोट जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे आप लोग को कट लगा देना। लाइक मेरा इमोट कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है तो मैं यहाँ कट लगाऊंगा और आप लोग देख सकते हो एंड यहाँ होता है मेरा इमोट एंड, यहाँ पे तो मैं कट लगाऊंगा। देन मुझे मेरा जो दूसरा वाला इमोट है मैं वहाँ जाऊंगा, इधर से स्टार्ट होता है ये इमोट एंड यहाँ पे जैसे ही ये चुटकी बजाता है यहाँ पे आप लोग को आना है, इसे स्प्लिट कर देना है। देन आप लोग को आपकी प्रो वाली जो क्लिप है उसमें लेकर जाना है, जैसे आप लोग की प्रो वाली क्लिप है उस पर आप लोग को लेकर जाना है एंड देन वही इमोट आप लोग को मारना है जो आप लोगों ने लास्ट टाइम मारा था एंड उसको अच्छे से एकदम बैठा के कट कर लेना है लाइक दिस। इस वाले जगह पे शायद से मेरा हुआ था यस। तो अब आप लोग देख सकते हो आप लोग की वीडियो, एक बार आप लोग चेक कर लो, बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा बढ़ गया होगा कोई बात नहीं, वीडियो चेक करो ये। हाँ ये थोड़ा मैच हो रहा है मगर मुझे थोड़ा सा इसे ऐसे करके कट करना पड़ेगा। आप लोग पूरा अच्छे तरीके से मैच कर लेना, देन आप लोग अपना जो गाना है ग्राइंड वाला उसे आप लोग सेलेक्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। लाइक मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया एंड देन आप लोग को सुन लेना है। यहाँ पे आप लोग का मेन जो बीट है वो बसता है कुछ इधर को, तो आप लोग को यहाँ से लेना है इसको स्प्लिट वहाँ पे कर देना है स्प्लिट। आप लोग को इसे यहाँ पे डालना है देन आप लोग को इसे पूरा खींच लेना है जहाँ तक आप लोग की वीडियो है, फिर आप लोग को प्ले करके देखना है। आप लोग का हो जाएगा देन अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग की क्लिप को कुछ इस इधर तक आप लोग को करना है, फिर स्प्लिट कर देना है, कट करना है, दोनों वीडियो क्लिप डिलीट करनी है, जो लास्ट वाली आप लोग की वीडियो क्लिप बची है इससे आप लोग को यहाँ से हाई रिजोल्यूशन और हाई ये इसको भी हाई करके फुल आप लोग को एक्सपोर्ट कर देना है एंड आप लोग को 1, 2, 3, 4 बार अंडू करना है एंड आप लोग को अपनी ये वाली वीडियो क्लिप लेनी है, इसमें से थोड़ा सा आप लोग को पार्ट यहाँ से कट कर लेना है जहाँ पे स्प्लिट आता है, देन आप लोग को वापस से वीडियो को वैसे ही कर देनी है और जो आप लोगों ने क्लिप एक्सपोर्ट करी थी उससे आप लोग को स्लोमो कर लेना है। मैं स्मूथ एक्शन कैम से करूँगा क्योंकि मेरे पे वस्को सपोर्ट नहीं करता हूं। जब मेरा नया फ़ोन आने वाला है तो उसमें मैं वेस्को से ही करूँगा, इसलिए मेरा स्लोमो ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता, तो मैं स्लोमो करके आप लोगों से मिलता हूँ। यस गाइस तो मेरा देन मैंने इस वीडियो को कुछ ज़्यादा ही वो कर दिया तो इसे मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से कर देता हूँ एंड आप लोग को देखो गाइस मेरे स्लोमो पे ध्यान मत देना, ज़्यादा अच्छा भी नहीं बनता है क्योंकि मैं सिंपल स्मूथिंग सेलेक्ट करता हूँ एंड मैं इसे यहाँ पे भी आके 0.5 कर देता हूँ। चलो अब देखो तो इस तरीके से आप लोग अपना
स्लोमो कर देना है, जो कि मेरा स्लोमो थोड़ा सा और मैं करना चाहूँगा। एंड और ये मेरा लास्ट वाला जो ये क्लिप है, कहाँ पे वो एंड हुआ था मुझे देखना पड़ेगा, वेट कुछ ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा। ओके, कहाँ पे हुआ था एंड? ओके, वैसे ही है। चलो तो फिर पहले इसको देखते हैं, यहाँ तक हुआ था। ओके, मैं याद रखूँगा। ओके, यहाँ तक हम लोग का हुआ था। एंड देन आप लोग को वापस से अपनी वीडियो को वॉच कर लेना है एक बार। एंड थोड़ा सा मैं और स्लोमो करना चाहूँगा। एंड इतना करने के बाद आप लोगों जो बाकी का साउंड है उसे आप लोग को स्ट्रीम टू राइट टू प्ले अहेड कर देना है। एंड आप लोग को अपनी क्लिप को फुल मतलब रिजोल्यूशन पे आप लोग का एक्सपोर्ट कर देना है। एंड एक्सपोर्ट करने के बाद आप लोग को कैपकट खोलना है। कैपकट से पहले आप लोग कोई एक VPN सेलेक्ट कर लेना। कैपकट अभी तो बिना VPN के चलता ही नहीं है, तो आप लोग कोई भी एक VPN सेलेक्ट कर सकते हो। आप लोग सोलो VPN डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी VPN डाउनलोड करके उसको ऑन कर लेना। एंड चलिए आपको आगे प्रोसेस। आप लोग को VPN ऑन करके फिर कैपकट खोलना है। देन आप लोग को न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। एंड आप लोगों की जो वीडियो है उसे आप लोगों को इम्पोर्ट कर लेना है इसमें। ये थोड़ा सा कंप्रेसिंग में टाइम ले सकता है, मतलब थोड़ा भी नहीं हो सकता आप लोग का, ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट ले, मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं लेता। तो कंप्रेसिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे आप लोग देख सकते हो झटपट झटपट हो रहा है। मतलब आप लोग की वीडियो अगर कम देर की होगी, जितने देर की होगी उतना कंप्रेसिंग में टाइम लेगा। तो जैसे कि मेरा कंप्रेसिंग हो चुका है। एंड आप लोग को यहाँ आने के बाद इसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेना है। आप लोग को साउंड नहीं इम्पोर्ट करना है। देन आप लोग को इस पर जाना है, वीडियो पर सबसे पहले क्लिक करना है, एडजस्टमेंट में जाना है। एंड आप लोग को कंट्रास्ट फुल कर देना है, सेचुरेशन फुल कर नहीं, कंट्रास्ट आप लोग थोड़ा सा कम कर दो एंड सेचुरेशन कुछ इतना रखो, ठीक। तो इतना करने के बाद आप लोग को एक बार अपनी वीडियो सुननी है। बैकग्राउंड नॉइज़ भाई बहुत ज़्यादा आ रहा है कंस्ट्रक्शन का काम की वजह से। यहाँ पे कुछ मेरा वो हो रहा है, मतलब ये आ रहा है, मैं देखता हूँ। यस, यहाँ पे आ रहा है, इसके बाद ये है। देन आप लोग को यहाँ पे एक स्प्लिट मार देना है। जैसे कि आप लोग देखोगे, आप लोग यहाँ पे एक स्प्लिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, मैंने जहाँ पे किया है स्प्लिट आप लोग को कर देना है। देन आप लोग को ये इसके ऊपर क्लिक करना है। आप लोग का थोड़ी देर तक नो इंटरनेट वाला आएगा। देन आप लोग के में बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आने के बाद आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा स्लाइड करने पे, फ्लड लाइट नाम का। इस ऑप्शन को आप लोग को दबाना है, 0.2 कर देनी है। दैट्स इट, 0.2 करने के बाद आप लोग को इसके एकदम शुरुआत में आना है। देन आप लोग को यहाँ पे इफ़ेक्ट्स बोल के एक ऑप्शन मिलेगा, ये जो अभी लाइट ग्रे कलर का हो गया है, इफ़ेक्ट्स बोल के एक ऑप्शन मिलेगा, उसको दबाना है। वीडियो इफ़ेक्ट्स पे जाना है, आप लोग को क्लिक करना है। देन आप लोग को बेसिक्स में जाना है, बेसिक आप लोग को मिल जाएगा ऑप्शन थोड़ा सा स्लाइड करोगे तो। एंड देन आप लोग को नीचे जाना है, एंड एच ग्लो नाम का आप लोग को एक ऑप्शन देखेगा, पता नहीं क्यों नहीं लोड हो रहा है। एच ग्लो नाम का ऑप्शन मिलेगा, जाना है इसको फुल ग्लो पे कर देना है। अभी देखो फुल ग्लो पे किया, मगर ये वापस अपने उसमें आ जाएगा। फिर आप लोग को इस पर दबाना है, एडजस्ट में जाना है। एंड एक मिनट भाई, ये क्या हो गया, एडजस्टमेंट पे जाना है, ग्लो को फुल कर देना है। कुछ ज़्यादा ही वो ग्लो लगेगा, बट आप लोग की चिंता मत करो। एंड आप लोग को लास्ट में आना है, एक एंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, उसे डिलीट कर देना है। कुछ इस तरह के आप लोग को ग्लो दे देना है। इसे ग्लो देने के बाद आप लोग को इसके बाद वाली क्लिप पे क्लिक करना है। आप लोग के एनिमेशन पे जाना है, इन एनिमेशन सेलेक्ट करना है, एकदम लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आप लोग को शेक 3 बोल के उसको आप लोग को सेलेक्ट करके अपने वीडियो के हिसाब से ड्यूरेशन 1.5 डालूंगा। एंड देन मैं टिक कर दूंगा। कुछ इस तरह से आप लोग को अपना ये मतलब पूरी वीडियो को एडिट करना है।
कैपकट का जो ये सीन था ये बहुत छोटी सी चीज़ थी, आप लोग तुरंत सीख गए होंगे। एंड मैं आप लोग को एक बार मतलब आप लोग प्रीव्यू में देख ली होंगे कैसा बना है ये। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एंड बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बहुत ज़्यादा नॉइस होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।